لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फरिश्तों के सरदारों के नाम और उनके काम से मुतालिक हमने एक रिवायत चंद दर्स पहले सुनी कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनको उनके उमूर और इंतजामात की इत्तला देते हैं। और इस रिवायत को इब्ने अबी हातिम ने और अबू शेख ने किताबुल उज़्मा में, इसी तरह इमाम बैहकी ने शोबुल ईमान में, इमाम सुयूती ने दुर्र मंसूर में, कई कुतुब में से रिवायत की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आखिर फरिश्तों में फिर मुकाम क्या है? क्या इसराफील अलैहिस्सलाम चूंकि उन तक पैगामात को पहुंचाते हैं जिस तरह वो मीकाईल अलैहिस्सलाम और मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हैं, तो क्या जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसराफील अलैहिस्सलाम की निस्बत नीचे हैं? क्या मुकाम है? इस ज़मीन में मूसा बिन अबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये खबर मिली है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अहले आसमान के पेशवा हैं और इसको किताबुल उज़्मा में अबू शेख लेकर आते हैं, हदीस नंबर 359, और इमाम सुयूती ने इसे दुर्रे मंसूर में रिवायत किया है। इलावा अज़ीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत हमारे सामने आती है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं आपको न बतलाऊं कि सब फरिश्तों से अफजल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है? और इस रिवायत को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है, इमाम हैसमी ने मजमाउज़्ज़वाइद में, इसी तरह इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में, और इसी तरह कंज़ुल उम्माल में इस रिवायत को बयान किया गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले दर्स में हम देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किस किस हालत में देखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।